स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी कंटिन्यू आवर टॉपिक हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट थर्ड सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध। लुक एट द पैराग्राफ स्टूडेंट्स। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। इट मीन्स स्टूडेंट, सेंटर और स्टेट के रिलेशन में जितने भी चेंजेस आए हैं, वो चाहे लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर हो, चाहे फिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लेकर हो, तो ये सब चेंजेस बताते हैं कि इससे जो फेडरलिज्म है वो और कितना मजबूत हुआ है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. It means constitution में power sharing को लेकर जो भी arrangements किए गए हैं, उनकी जो reality है, उनका जो working reality है, वो इस बात पर depend करती है कि जो ruling party है और जो leaders हैं, वो इन अरेंजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इट मीन्स हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ टाइम तक एक ही पार्टी थी जो केंद्र और स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों में ही रूल कर रही थी। This meant that the state government did not exercise their right as autonomous federal unit. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. It means जो state governments थी, उनके पास जो power थी, वो अपने पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट की पावर्स ज़्यादा थी। लेकिन जब बाद में सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट बनने लगी, तो सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उनको अनदेखा करने लगे। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. These undermined the spirit of federalism. It means उन दिनों जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का यूज़ करके जो अदर पार्टीज़ होती थी उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी, और ये जो फेडरलिज्म है उसके स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब फेडरलिज्म में ये सब नहीं होता है। फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट में जब पावर डिवाइड होती है, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही फ्री होती हैं अपनी पावर का यूज़ करने के लिए। ऑल दिस चेंजेस सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990s. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition governments at the center. It means 1990s के बाद जो situation थी वो काफ़ी change हो गई थी। इस period में country के जो बहुत से states थे, वहाँ पर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका उदय हुआ। इट मीन्स जो क्षेत्रीय दल होते हैं, यही टाइम पर सेंटर में कॉलेशन गवर्नमेंट की भी शुरुआत हुई। कॉलेशन मीन्स होता है गठबंधन, गठबंधन की सरकार, जो आपने सुना होगा। कई सारी पार्टियां मिलकर एक पार्टी बना लेती हैं, जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. It means जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, तो एक से ज़्यादा पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की गवर्नमेंट को बनाना स्टार्ट कर दिया, कॉलेशन गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया।
दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन अ आर्बिट्रेरी मैनर. इट मीन्स स्टूडेंट्स, यहाँ से पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर डेवलप हुआ और इस डिसीज़न को और भी सपोर्ट तब मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट किया. इस डिसीज़न की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट को मनमाने ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर देती थी, अब उनके लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो गया. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. It means जब constitution लागू किया गया था तब से अगर आज हम देखें तो जो federal power sharing है वो बहुत ज़्यादा पहले से effective हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ है. सो स्टूडेंट, ये थे तीन पिलर हमारे इंडियन फेडरेशन के जो बताते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री और इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है. इन तीन पिलर के बेसिस पर जो हमने इस टॉपिक में पढ़े. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.